एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 10 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू कर्व दिस। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक इक्वेशन है ये कर्व का इक्वेशन है। अब आपको क्या पता करना है, इस कर्व के वो सारे टेंजेंट का इक्वेशन आपको बताना है जिसका स्लोप होगा -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो कर्व दिया है इसके टेंजेंट का हम स्लोप कैसे, इसको डिफरेंशिएट करके, तो ये जो है dy/dx निकालना है आपको। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/(x-1) का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपने डिफरेंशिएशन कर चुका है, ये कैसे आया अब आपको ये पता होगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो मिला हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, अब कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 के इक्वल होना चाहिए, तो इसको इक्वेट कर दो -1 से। अब क्या हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -- प्लस हो जाएगा, तो केवल आपको मिलेगा x-1² = 0 मिलेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, नहीं ये गलत हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 होगा। ठीक है, x-1² = 1 मिलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, x-1² ले लोगे तो यहाँ आपको मिलेगा +-1 मिलेगा। अब इससे क्या होगा, x की दो वैल्यू मिलेगी, एक बार हम 1 लें +1, तो x-1 = +1, तो x = +2 मिला। ठीक है, दूसरी बार हम क्या ले लेते हैं, x-1 = -1 ले लेते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या मिलेगा, ये x = ये मिल गया 0। तो हमें x की दो वैल्यू मिल रही है, x = 2 and x = 0 पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1 होगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि इस कर्व के दो पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे जो होगा उसका स्लोप -1 होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट कौन कौन से होंगे, दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दिया है तो उसके दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख के वाई निकालेंगे। तो देखो y = 1/, पहले एक्स की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2-1, तो क्या मिला, ये मिला y = 1। तो जब एक्स 2 होता है तो y1 मिल रहा है, तो एक पॉइंट मिल गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया 2, 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो y क्या मिलेगा, y = 1/0-1, तो क्या मिल गया, ये मिल गया -1। तो दूसरा पॉइंट हमको क्या मिल गया, 0, -1। तो ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स में हमको क्या मिलेगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1। अब उनका इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, ये दो पॉइंट पे स्लोप तो हमारा जो टेंजेंट का -1 है, लेकिन उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो उसके लिए हम ये वाला जो है फॉर्म यूज़ करेंगे, y-y1 = mx-x1। ये वाला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करके हम दोनों का इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले जब इस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, तो उसमें क्या इक्वेशन बनेगा, y-y1 हो गया 1। स्लोप देखिए, स्लोप तो -1 ही है इसके लिए, तो m की वैल्यू -1 है, फिर x-x1 यहाँ पे क्या है, आप लेंगे 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, y-1 = -x+2, और x को इधर ले जाते हैं तो x+y 2 को इधर ले आओ, या -1 को राइट हैंड साइड ले आओ, तो ये हो गया 3। तो x+y = 3, ये बना एक इक्वेशन किससे, इस पॉइंट से 2, 1 से। अब जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी आप बना लो सेकंड पॉइंट से, तो y-y1 की जगह हो गया -1, तो ये +1 हो गया, = m तो है -1, फिर x-x1 यानी 0, सॉरी x-0, ये हमें मिला। तो y+1 = -x, x को इधर ले आओ, तो x+y + 1 = 0, तो ये मिल गया दूसरा इक्वेशन। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये।